नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में हमारे चैनल पर जिसका नाम है पुनीत भार्गव। तो आज हम चलेंगे माउंट आबू के फूड टूर पे, तो जिसमें हम कुछ कवर करेंगे टॉप 5 लोकेशंस टू मस्ट हैव इन यू नो व्हेन यू आर विजिटिंग माउंट आबू, सो प्लेसेस टू ईट इन माउंट आबू, तो आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से, पहली लोकेशन पे चलते हैं। तो पहली लोकेशन है अंबिका गुजरात नाश्ता सेंटर। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के आपको मिलेंगे पराठे और मल्टीपल ऑप्शंस के साथ। हम रुके हैं यहाँ पे गुजरात अंबिका नाश्ता सेंटर पे। ये पराठा है यहाँ पे इसका फेमस, और ये मिर्च है साथ में, ये टमाटर की चटनी है, ये दही है, ये लहसुन की चटनी है, और ये कुछ मिक्स वेज काइंड कुछ बना के दिया है इसने। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, एक बार खा के ट्राई करते हैं फिर देखते हैं क्या है। पनीर पराठा ऑलमोस्ट सर्व विद ऑल दो थिंग्स जो पहले आई थी, तो हमारी थोड़ी सी बची थी तो हमने रिपीट नहीं करवाई है, बट पनीर पराठा इज ऑल्सो लुकिंग ऑसम। निकलते हैं अगली लोकेशन पे जो है पटेल्स नाश्ता सेंटर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, मेजरली आपको मिलेगा गुजराती फूड, बढ़िया गुजराती फूड, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ अच्छा खाने को मिलेगा आपको यहाँ पे। जोधपुर के नाम से दो तीन है, एक ये जोधपुर भोजनालय है, एक ये जोधपुर वाला है। तो जो एक्चुअली फेमस है वो जोधपुर भोजनालय है, जोधपुर वाला इतना मतलब आई डोंट हैव नो टेस्ट है। तो हमने मतलब ये जोधपुर भोजनालय पे फोन खाना खाया था, बहुत टेस्टी था कल। तो आप यहाँ पे बेसिक थाली भी खा सकते हैं, राजस्थानी थाली। उसके अलावा राजस्थानी फूड इतना ऑसम है यहाँ पे, दाल बाटी चूरमा मस्ट ट्राई एट दिस लोकेशन। मूविंग टू नेक्स्ट लोकेशन विच इज़ चाचा इन। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड एम्बियंस, अगर आपको एकदम बढ़िया माहौल चाहिए तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। यहाँ पे आपको इंडोर आउटडोर हर टाइप का सीटिंग का ऑप्शन मिलेगा, और अगर एम्बियंस की बात करें जगह जगह इतना बढ़िया माहौल बना रखा है। जैसे सर्दी थी तो इतना बढ़िया यहाँ पे इन्होंने बोनफायर का इंतजाम किया ताकि आउटडोर सीटिंग में भी आपको कुछ ठंड फील ना हो। लाइव म्यूजिक है, बहुत बढ़िया एम्बियंस है यहाँ पे ओवरऑल। अगली जगह चलते हैं जो कि है पंडित जी रबड़ी वाले। तो यहाँ पे बेसिकली रबड़ी ट्रेडिशनल वैसी रबड़ी नहीं जैसे नॉर्थ वगैरह में मिलती है। सो ये बेसिकली क्या है, दूध है, दूध को गर्म होने के बाद बहुत देर तक दूध गर्म होता रहता है, तो उसके ऊपर जो मलाई आती है, मलाई की इतनी मोटी लेयर बन जाती है कि उसको वो रबड़ी कहते हैं। दूध गर्म दूध विद रबड़ी सर्व किया जाता है ये। तो ये थी आज की कुछ लोकेशंस, बेस्ट प्लेसेस टू ईट इन माउंट आबू। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वीडियो में। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए डू थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़, थैंक्स अ लॉट।